हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत और लाइफ स्टाइल का जो ख्याल है वो अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, घूमना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ऋषिकेश की, तो वहाँ जाना किसी को भी ऐसा नहीं होगा जिसको पसंद नहीं होता। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहाँ भारी संख्या में लोग जाते हैं। यहाँ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वो क्या जगह है, जब आप ऋषिकेश जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाएं, ताकि आपकी ट्रिप बेहद ही शानदार हो जाए। ऋषिकेश को दुनिया की योग की राजधानी कहा जाता है, जहां आपको प्रकृति की गोद में बसे खूब सारे आश्रम और योग सेंटर मिल जाएंगे। राजधानी दिल्ली से 4.5 घंटे की दूरी पर बसा ऋषिकेश प्रकृति प्रेमियों को काफी पसंद आता है। हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश उत्तराखंड का धार्मिक शहर भी है। अगर आप ऋषिकेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ की कुछ खास जगह हम आपको बताते हैं। त्रिवेणी घाट गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, जहां हर शाम महाआरती होती है। इसे देखने के लिए हजारों लोग शाम को त्रिवेणी घाट में जमा होते हैं। माना जाता है कि त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र होता है। सी राजगोपालाचारी के नाम पर इस पार्क का नाम राजा जी नेशनल पार्क रखा गया। ये उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है, जहां आप वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। ऋषिकेश का राम झूला सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 450 फीट लंबा राम झूला गंगा नदी के ऊपर स्थित है। झूले को साल 1986 में PWD ने बनवाया था। यहां आकर आप योग और ध्यान कर सकते हैं। राजा जी जंगल क्षेत्र में स्थित 84 कुटिया जाने के लिए आपको राम झूला से महज 5 मिनट ड्राइव करना होगा। इस आश्रम को बीटल्स आश्रम इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि 1968 में बीटल्स बैंड कुछ समय यहां रुका था और कई गाने लिखे थे। 84 कुटिया आश्रम के परिसर में एक पुराना मंदिर, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, महर्षि योगी का घर मौजूद है। यहाँ कई झोपड़ियाँ मौजूद हैं जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। पहाड़ी घाटियों में स्थित नीलगढ़ झरना ऋषिकेश का एक छिपा खजाना है। एडवेंचर लवर और प्रकृति प्रेमियों के लिए नीलगढ़ झरना बहुत अच्छी जगह है। ये लक्ष्मण झूला से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 3 प्रपात एक ही साथ पहाड़ से गिरते हैं, जो काफी मनोरम दृश्य पैदा करते हैं। इन जगहों के अलावा आप ऋषिकेश में कुंजापुरी मंदिर ट्रैकिंग, जंपिंग हाइट्स, शिवपुरी जैसी जगहों पर भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेहत, तो सेहत के लिहाज से भी घूमना अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ योग की नगरी है, योग बहुत ज्यादा किया जाता है, जगह जगह योग सेंटर बने हुए हैं। तो यहाँ आप जाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, यानी कि योग सेंटर में जाके आप योग कीजिए, अपनी सेहत को अच्छा बनाइए, और घूम कर भी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। यानी कि जितना आप घूमते हैं उतना आपका मन शांत होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।